30 लाख बहने हो दुनिया में सबसे भाग्यशाली थी, लेकिन पैसा जाते बहुत। अब और इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे ही इंतजाम होता है 1000 से बढ़ा के 1250 किए, अब फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो कमलनाथ, सुन लो, अरे सुनाना जोर से सुन लो। कभी कांग्रेस ने धेला दिया था क्या? मेरी बहनों खबरदार रहना, ये वो लोग हैं जिन्हें 15 महीना में अपनी सब योजना बंद कर दी, इन्हें संबल बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी थी। मैं बेटा बेटियों के जन्म के पहले 4 और जन्म के बाद 12000 रुपया देता था ताकि गरीब बहन के आगे लड्डू बन जाए। कमलनाथ ने मेरी बहन के लड्डू छुड़ा लिए थे। मेरी बहनों, इन्हें संबल योजना बंद कर दी। इन्हें अंतिम संस्कार के कफन के 5000 रुपया में देता था, कफन के 5000 भी कमलनाथ जी कांग्रेस तुमने छीन लिए गरीबों से। इनने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बनने दिए, इन्हें जल जीवन मिशन के नल नहीं लगने दिए, इन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों के नाम नहीं भेजे, इनने तो तीर्थ दर्शन तक बंद कर दी, इनने मेरे बच्चों के लैपटॉप देना बंद कर दिए। ये बंद योजना बंद करने वाली पार्टी है। और लाड़ी बहनों सुन लेना, ये आएंगे नहीं, लेकिन धोखे से कभी आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। ये नहीं वो नहीं मैं नहीं तू नहीं, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये कांग्रेस, ये धोखेबाज पार्टी, ये धोखेबाज पार्टी, ये चालू पार्टी है, चालू। ये मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव सभा से वो कह रहे थे ये धोखेबाज, वादा खिलाफी करने वाले। पर कांग्रेस से चालू पार्टी कोई नहीं है, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको तो अपने बेटों से मतलब है। एक अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, दूसरा भविष्य में अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और कपड़ा फाड़ लड़ाई चल रही है कांग्रेस को, कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई है। दो चक्की, एक कमलनाथ की एक दिग्विजय सिंह की, दो पार्ट, और दो पार्ट के बीच में कांग्रेसी बेचारे पिस रहे हैं, इनका कोई ठिकाने नहीं है। ये भला नहीं कर सकते मेरे किसान भाइयों। कड़ान सिंचाई परियोजना, और प्रदीप जी आज मैं आपको ये कह रहा हूं, अपनी जनता से जाके कह देना किसान के खेतों की सिंचाई हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, एक भी खेत नहीं छोड़ेंगे। जहां पानी मिलेगा वहां से पानी लाके, अब तो कैद बेतवा प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दी है, तो सांसद जी कैद बेतवा का पानी भी आएगा, हर खेत में पानी देंगे मेरे किसान भाइयों, हर खेत में पानी देंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? कांग्रेस ने पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देती? मेरी बहनों, प्रदीप भाई बता रहे पीने का बैंक पानी अब हैंडपंप का नहीं, गर्मी में सूख जाते थे, पानी नीचे चला जाता था, दिन भर हैंडपंप की खटर 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 पानी भरो जैसे तैसे आधा दिन निकल जाता था। अब तो पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। मेरी बहनों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिंचाई का पानी हो चाहे पीने का पानी हो, इंतजाम किया तो बीजेपी ने किया। और एक बार और किसान भाइयों, सम्मान निधि के 6000 पीएम भेज रहे, ये कमलनाथ इनकी कंपनी बड़े कलाकार है, इनने प्रधानमंत्री को नाम ही नहीं भेजे किसानों के, कई किसानों को कई दिनों तक पैसा नहीं मिला, वो तो हम लोगों ने मिलकर नाम भेजे, तब किसान सम्मान निधि शुरू हुई। 6000 पीएम देते हैं, 6000 सीएम देते हैं, और मेरे भाइयों इतने थोड़ी छोड़ेंगे, इंतजाम होने दो, इसको भी बढ़ाएंगे। और सुन लेना, मैं ये सोच रहा हूं किसान नेता भी बैठे, मेरे मन में ये बात है कि इधर उधर की सब्सिडी जो किसानों को देते हैं वो कई बार फालतू चली जाती है, उसको
नगद पैसे किसानों के खाते में दे दिए जाए और किसान जो चाहे वो उपयोग कर लो, बता ठीक रहेगा कि नहीं? इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे मेरी बहनों और भाइयों। अगला लक्ष्य हमारा, सुनना ध्यान से, हर बहन को लखपति दीदी बनाने का। ये मजाक नहीं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। लखपति दीदी यानी जिसकी आमदनी साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा हो। यहाँ समूह की बहनें बैठी हो तो हाथ उठाओ, समूह की बहनें, ये मेरी समूह की बहनें बैठी है। अभी इनमें से कई बहनें ऐसी है जो 10,000 रुपया महीना